देना चाहूंगा भैया, मूर्ख दोस्त से अच्छा बुद्धिमान दुश्मन। सर अब आकाश पर कोई थूक फेंकते रहे, हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार, ऊंट बैठी हो जाएगा तो कुत्ता से ऊंचे न होगा। कौन क्या बोलता है मुझे नहीं पता। राजनीति में अपने लोगों को गाली गलौज किसी भी सम्मानित लोगों को नहीं करना। राजनीति में भाषा की मर्यादा खत्म होते जा रही है। सर नरेंद्र मोदी बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। तो मोदी जी और अमित शाह के फैक्ट्री में क्या सीखेंगे, गिरिराज के फैक्ट्री में गाली गलौज ही ना क्या सीखेंगे। सर समझ में नहीं आता है। सर अच्छी बात है, सबका नजर हम पर रहना चाहिए। हम सुंदर है तो नजर नहीं रहेगा। अरे भैया हमारा दिल बड़ा है, मायावती नजर है सबका, जा सकते हैं सारा बिहार। पप्पू यादव ही एक व्यक्ति है जो कभी सोल की तरह इधर उधर हिलता है। सीमांचल कोसी मिथिलांचल ये राजनीति का पता है, क्या करिएगा, हमको मरवाइएगा। मायावती और सदीन ओवैसी का अलायंस होने वाला है। मायावती और सदीन ओवैसी का अलायंस होने वाला है 2024। ए भैया एक बात बोले, बुरा नहीं मानिए, सबको अधिकार है अपनी राजनीति करने का, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि कुछ व्यक्ति और दल के बारे में पूरी दुनिया को पता चल गया है, वो बीजेपी के दूध मिश्री के साथ है। सर आप हमको डेट फाइनल करवा दीजिए, हाजिर मिल लेंगे। सर हम सब देश की बैठक में जा रहे हैं। एक बात बताइए, हम जिला अध्यक्ष युवा परिषद की और युवा परिषद के पदाधिकारी की बैठक थी जिसमें हमारे सारे नेता यहाँ मौजूद थे। जिलावार एक निर्णय लिया गया कि अविलंब चुनाव के पहले तक बिहार प्रमंडल वाइज बिहार के हर प्रमंडल में जाकर पहले युवा सम्मेलन संवाद को कि जनाधिकार पार्टी की भूमिका जो आज देश में नफरत है, देश में लोकतंत्र खतरे में है, देश में जिस तरीके से महात्मा गांधी और गोडसे के बीच में कोई फर्क नहीं रहने दिया जा रहा है, गोडसेवादी लोग लगातार महात्मा गांधी पर हमला कर रहे हैं, अम्बेडकरवादी सोच पर हमला हो रही है, अब हनुमान से रावण को गाली दिलवाया जा रहा है, लगातार पिक्चर के माध्यम से नफरत पैदा किया जा रहा है, लगातार उन्माद पैदा हिंदुस्तान में 9 महीने चुनाव के बाद करने की तैयारी हो रही है, उसमें बेरोजगारों की चिंता, रोजगार को लेकर के कोई बातचीत हिंदुस्तान में नहीं हो रही है, जो राइट ऑफ एजुकेशन की बात, राइट ऑफ हेल्थ की बात, राइट ऑफ वर्क की बात जो होनी, हम सम्मेलन संवाद के द्वारा सभी जगह सभी साथियों को लैस करेंगे कि आज बेरोजगारों की आवाज कौन है। जन अधिकार युवा परिषद, जन अधिकार छात्र परिषद, बेरोजगारों की लड़ाई कौन लड़ेगा, आम आदमी की आवाज कौन बनेगा, संघर्ष के एक मजबूत दायक कौन होंगे, युवा परिषद। इसीलिए बहुत क्लियर है, हम फिर उस बात को दोहराते हैं कि जन अधिकार पार्टी और जन अधिकार पार्टी के विंग जो युवा से लेकर, युवा शक्ति से लेकर, छात्र से लेकर, ब्रिगेड से लेकर, सबका एक ही पथ है, कंप्लीट रूप से मजबूत संघर्ष के साथ बिना जाति धर्म मजहब के आम आदमी को जन अधिकार पार्टी से जोड़ना। निर्णय के साथ हम इस हिंदुस्तान के सबसे बड़े जो आबादी है यूथ, और उसमें जो बिहार सबसे बड़ी आबादी है, उस यूथ की आवाज के लिए एक परिषद के द्वारा सम्मेलन बजाते टाइम टेबल देकर के किया गया, जिसको आपको अभी हमारे युवा परिषद के अध्यक्ष दे देंगे। हम चाहते हैं कि 9 महीने चुनाव के पहले हम लोग एक मजबूत संगठन के साथ अपनी भूमिका बिहार के संदर्भ में तय करें और अपनी भागीदारी और हिस्सेदारी विपक्षीय भूमिका में
हम देखेंगे कि हमारे साथ उनका व्यवहार, उनका प्रेम किस तरीके का है। इसीलिए आज यह बैठक इसी तरह के इतने संकल्प के लिए बुलाया। कांग्रेस के साथ गठबंधन की बातें कही है आपने, देखिए आज तो युवा परिषद की बैठक थी और इसके लिए संवाद सम्मेलन और बिहार में जो रोजगार की चर्चा देश में नहीं है, नरेंद्र मोदी के द्वारा खत्म किया जा रहा है, उसको लेकर के हम और जिस तरीके से नफरत के बाजार में जाति धर्म मजहब को अलग अलग किया जा रहा है, बजाबते शुरुआत करेगा अनुमंडल सम्मेलन के बाद बेरोजगार सम्मेलन की शुरुआत करेंगे और हम आम आदमी के सरकार की बात करेंगे। जहां तक गठबंधन का है तो गठबंधन समय पर आप चिंता मत कीजिए, आने दीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि हम गठबंधन के हिस्सा। वैसे तो मैं आपको बता दूं हमारी विचारधारा कांग्रेस और महागठबंधन की विचारधारा के साथ हमेशा स्टैंड बाय रही है। हम हमेशा लगातार प्रयास करते हैं उनकी विचारधारा को प्रोटेक्ट करने का, तय उनको करना है, लेकिन समय पर आपको गठबंधन का पता चल जाएगा। लाइव न्यूज़ खबर तो पक्की है।